मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमने कल ग्रामर का चैप्टर पढ़ा था क्रिया, आज हम लेते हैं हमारे स्पर्श युग का पहला पाठ जिसका नाम है कबीर। कबीर दास जी जो हैं हमारे बहुत ही प्रसिद्ध संत रहे हैं, कवि रहे हैं, जिन्होंने बाह्य आडंबरों को ना अपना करके ईश्वर के एकेश्वरवाद को अत्यधिक क्या दिया है, महत्व दिया है। उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए ना किसी मंदिर, पूजा, तिलक या किसी तीर्थ पर जाना आदि को महत्व ना देकर के सिर्फ एक ही बात समझाइए कि ईश्वर को पाना है तो मन की शुद्धता, मन की पवित्रता, अपने आत्मा में ही, अपने मन में ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी संबंध हमारा पाठ है जो लिया गया है साखी से। साखी का अर्थ होता है साक्षी और साक्षी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, जो गुरु के द्वारा शिष्य को दिए जाने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान, जो शास्त्रीय न होकर के ऐसा ज्ञान हो जो शिष्य को सही मार्गदर्शन की ओर प्रेरित करे, साथ ही उसे ईश्वर प्राप्त करने का एक माध्यम बनाए। तो इस प्रकार से ऐसा ज्ञान जो व्यक्ति को ईश्वर तक पहुंचाने और ईश्वर का स्वरूप या ईश्वर को प्राप्त करने का ज्ञान करवाए वो कहलाता हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान। साखी तद्भव शब्द है और साक्षी उसका तत्सम रूप है जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। कबीरदास जी के पद की बात करें हम, कबीरदास जी की भाषा की बात करें तो कबीरदास जी की भाषा सद्दुकड़ी बताई गई है। क्यों? क्योंकि इसमें कई भाषाओं का क्या है, मिश्रण है, कई भाषाओं से मिलकर क्योंकि कई भाषाओं का प्रयोग इसमें किया गया है। जैसे कि इनकी भाषा में मिलता है हमें इनकी साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी आदि भाषाओं का सम्मिलन होने के कारण ही इन्हें पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है इनकी भाषाओं को, और साथ ही सद्दुकड़ी भाषा भी इनकी भाषा को कहा जाता है। इनकी भाषा सद्दुकड़ी भाषा ही रही है। इन्होंने अपने पद में जितने भी अर्थ किए हैं, अपने पद जितने भी पद इन्होंने गाए हैं, उन सही पदों में इन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है और मन की सात्विकता, मन की पवित्रता और मन की शुद्धता पर अत्यधिक ज्वल दिया है कि केवल मन की पवित्रता से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। पहला इसका जो पद है उसमें कबीरदास जी ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन की सुख होए। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। यहाँ कबीरदास जी ने वाणी की महत्ता को अत्यधिक बल दिया है। कबीरदास जी क्या बोल रहे हैं कि व्यक्ति को इस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए, अपने मन का आपा, आपा क्या होता है अहंकार, ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिसे बोलते वक्त व्यक्ति अपने अहंकार को पूर्ण तरह से त्याग दे। अपने अहंकार को त्याग करके ही व्यक्ति को अपने वचन, अपने शब्द या अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, हमारी वाणी वैसी होनी चाहिए जो अपना तन शीतल करे, जो वाणी हमें स्वयं को तो शीतलता प्रदान करेगी, हमारे मन को तो शांति देगी, सुनने वाले व्यक्ति को भी अत्यधिक क्या दे, प्रसन्नता दे, ठंडक दे, शीतलता दे, खुशी प्रदान करे। ऐसी हमारी वाणी होनी चाहिए। वो कब होगी, जब हमारी वाणी में, हमारी बोली में, हमारी भाषा में किसका क्या होगा, अहंकार का। अर्थात हमें बोलने से पहले हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी भाषा कभी भी ऐसी ना हो जो किसी दूसरे को ठेस पहुंचाए या तकलीफ दे या उसमें अत्यधिक अहंकार का भाव हो। तो वाणी को बोलने से पहले, सबसे पहले जो कबीर जी ने कहा है वो यही कहा है कि हमें अपनी वाणी से क्या खत्म कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए अहंकार। तो इसमें शीतल का अर्थ है ठंडकता, खुशी, सुख, प्रसन्नता, आपा घमंड या अहंकार, और वाणी का अर्थ है हमें इस प्रकार की बोली या भाषा बोलनी चाहिए। आगे जो दूसरा पद है कबीरदास ने इसमें बताया है, बाह्य आडंबरों को छोड़ करके ईश्वर की प्राप्ति केवल अपने आप में, अपने मन में ही कर सकते हैं। इसके उदाहरण कबीरदास जी ने दिया है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। यह कबीरदास जी कस्तूरी जो मृग है, वन में जो मृग है जो लगातार एक पर्वत से दूसरे पर्वत पे या भाग रहा है, दौड़ रहा है, क्यों? क्योंकि उसके शरीर से ही एक गंध आ रही है कस्तूरी की, और वो गंध उसे जहां जहां वो पहुंचती है वहां वहां उसके शरीर से उस महक को क्या करती है, अनुभव करती है। और वो मृग भ्रमित होकर के हर जगह उसे ढूंढने का प्रयास करता है कि ये गंध, ये खुशबू, ये सुगंध कहां से आ रही है, लेकिन वो इस सच्चाई को नहीं जान पाती कि ये गंध जो है वो मेरे ही शरीर में से, मेरी नाभि में से आ रही है। लेकिन फिर भ्रमित होकर के जगह जगह, स्थान स्थान पर उसे प्राप्त करने के लिए खोजती रहती है। उसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे ही घट घट राम है, उसी प्रकार से हमारे घट का मतलब है आत्मा, हर व्यक्ति की आत्मा में राम का अर्थात ईश्वर का निवास है, लेकिन व्यक्ति भ्रमित होकर के दुनिया देखे, दुनिया भ्रमित होकर के उसे नहीं देख पा रही है और उसे प्राप्त करने के लिए अन्य स्थानों पर, मंदिरों में या तीर्थों में या पहाड़ों पर घूमता रहता है, लेकिन वो ये नहीं देख पाता
कि ईश्वर जो है वो स्वयं ब्रह्मा हमारे आत्मा में निवास करता है, लेकिन वो उसी कस्तूरी मृग की तरह भ्रमित होकर के ढूंढ रहा है, जिस प्रकार से उसके अंदर से आने वाली गंध को वो जगह जगह जाकर के ढूंढती है, अपने आप में नहीं देख पाती कि ये गंध तो मेरे अंदर से ही आ रही है। उसी प्रकार व्यक्ति भी अपनी आत्मा में नहीं देख करके और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अनेक माध्यम अपनाता है। तो कबीर दास ने यहाँ पे इसी चीज का विरोध किया है कि व्यक्ति को इस प्रकार के आडंबरों को ना अपना करके अपनी आत्मा में ही ईश्वर को प्राप्त करने के लिए झांकना चाहिए। नेक्स्ट का चैप्टर है, नेक्स्ट टॉपिक है, पद है वो है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं हूं हरि नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीर दास यहाँ कह रहे हैं कि जब तक मेरे मन में अहंकार था, जब मैं था तब हरि नहीं, मैं का यहाँ पर है अहंकार, कि जब तक मुझ में अहंकार था तब तक हरि अर्थात ईश्वर मुझे प्राप्त नहीं हुआ, अब हरि है मैं नहीं, और जब मुझे हरि अर्थात ईश्वर प्राप्त हो गए तो अब मेरे अंदर क्या नहीं रहा, मैं, अब मैं नहीं है, अब मेरे अंदर मैं है ही नहीं। क्या कह रहे कबीरदास जी कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे ईश्वर प्राप्त नहीं हुआ, अब हरि है मैं नहीं, अब मेरे पास में क्या ईश्वर है, और अब मेरे अंदर का जो अहंकार है वो क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है, सब अंधियारा मिट गया तब दीपक देखा माई। और इस प्रकार से अहंकार को समाप्त हो जाने के बाद में मेरे जीवन के सारे अंधकार, सारे दुख और सारे भ्रम स्वतः ही नष्ट हो गए। वो कब हुए, जब दीपक देखा भाई, जब मैंने अपने अंदर ही दीपक की ज्योति को देखा। वो दीपक ज्योति क्या थी, वो सात्विकता की, पवित्रता की और ईश्वर की भक्ति की ज्योति, जब मैंने उसे अपने आप में खोजा, अपने आप में देखा, तो मुझे ईश्वर के दर्शन स्वतः ही हो गए और मुझमें विवेक आ गया कि क्या सही है और क्या गलत है। जो भ्रमवश मैं ढूंढ रहा था, खोज रहा था ईश्वर को, वो मुझे कहां प्राप्त हुआ, मेरे अंदर ही प्राप्त हुआ। क्यों, क्योंकि मैंने अब तक अपने मन में से क्या नहीं मिटाया, अहंकार नहीं मिटाया, और आज मेरा अहंकार समाप्त हो गया है और मैं ईश्वर को प्राप्त कर चुका हूं। तो इस प्रकार कबीरदास जी इसमें क्या कहना चाहे कि व्यक्ति को अपने अहंकार को त्याग करके ईश्वर को अपने अंदर ही, अपनी आत्मा में ही खोजना चाहिए, लेकिन जब तक हमारे मन में अहंकार रहेगा तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। और इसका आखिरी पद है, सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। कबीर दास यहाँ कह रहे हैं कि संसार में सब सुखी है, क्यों सुखी है, क्योंकि वो खाते हैं और सोते हैं, अर्थात उन्हें ईश्वर को प्राप्त करने का कोई भी दुख नहीं है। लेकिन कबीर दास जी अपने आप को सबसे अधिक दुखी बता रहे हैं कि दुखिया दास कबीर है, केवल एक मात्र कबीर अर्थात मैं स्वयं ही दुखी हूँ। क्यों, क्योंकि मैं रात भर जागता हूँ और रोता हूँ। उनका रोना, उनका रुदन क्या है, उनकी तकलीफ क्या है, उनकी तकलीफ ये है कि मुझे अब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए वो दुनिया से अपने आप को अलग मानते हैं और कहते हैं कि सारा संसार खाता है और सो रहा था, अपने सारे रोज के कार्यों को कर रहा है और सो रहा है, उन्हें नींद आ रही है। लेकिन कबीर एक मात्र ऐसे व्यक्ति है जो दुखी, वो अपने आप को संसार में दुखी बता रहे हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं हूं जो रात भर जागता हूँ, ईश्वर के दर्शन के लिए ईश्वर का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही है। अर्थात वो ईश्वर से प्रार्थना करे कि हे ईश्वर, मेरी इस पीड़ा को आप समाप्त कीजिए, मुझे अपने दर्शन दीजिए। दर्शन कैसे, मेरी आत्मिक ज्योति को जगाइए, मेरे अंदर का जो अंतर्भाव है, जो आपको देखने का, आपको समझने का, आपको प्रत्यक्ष अनुभव करने का जो ज्ञान है, वो मेरे अंदर समाहित हो जाए, वो सारे अवगुण मेरे मिटा करके हे ईश्वर आप मुझे क्या दीजिए, मार्गदर्शन कीजिए। तो ये थे कबीरदास जी के चार पद जिसको हमने पढ़ा। तो आगे जो पद है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, आशा आपको समझ में आया होगा। और थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।